बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2019 को 11 सदस्यों का दिव्यांगों का एक सक्रिय प्रतिनिधि मंडल मेरठ कमिश्नरी चौराहे से ट्राईसाइकिल द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2019 को 12 बजे प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली के लिए रवाना होगा। लेसाड़ी निवासी रियासत अली ने दिए ज्ञापन में बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मेरठ के माध्यम से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गाजियाबाद के जिलाधिकारी एवं दिव्यांग निदेशालय को लिखित में अवगत कराया जा चुका है कि दिव्यांग प्रतिनिधि मंडल को ट्राईसाइकिल यात्रा के दौरान पुलिस व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। और उनका यह भी आरोप है कि पूरे देश में समान पेंशन होनी चाहिए, नहीं तो सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि, जिसे उन्होंने भीख का नाम दे दिया है, वो पीएम मोदी को मिलकर वापस कर देंगे। हम 11 लोगों को जो डेलीगेशन है वो पूरे मेरठ के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये आधार बना दे कि एक देश एक विधानसभा की बात करने वाली सरकार ये देखे कि वास्तव में एक विकलांग की पेंशन सही मायनों में 500 रुपये सही है या गलत है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर आगे के लिए हम जो है पूछ करते हुए, फास्ट करते हुए वहाँ पीएम साहब से यही दरखास्त हमारी होगी, रोजगार हमें दिया जाए। संघ कल्याण अधिकारी को गया, वो अभी तक टेबलों पर पड़े हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम में कोई सूचना नहीं भेजी गई है। हम 11 लोग इसीलिए वजह मकसद से जा रहे हैं कि एक देश एक विधानसभा की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बताना चाहते हैं कि विकलांग की पेंशन कहीं 2500 रुपये है, कहीं 2000 रुपये है, कहीं 4000 रुपये है, और यूपी के अंदर मात्र 500 रुपये है, वो भी वक्त पे नहीं आती। हम बेरोजगार हैं, हमें भीख नहीं, हमें अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, और ये जो भीख है आपकी, हम इसे आपको लौटा रहे हैं, चाहे वो केंद्र देती हो, चाहे वो राज्य सरकार देती हो। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv।